Let's start with the third one. Here it says sum of the digits of two digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the two digit number? तो यहाँ पे यार इन्होंने हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है कि दो डिजिट्स हैं. एक तो हमें पता है दो डिजिट नंबर के पास क्या होगा, टेंस होगा, दूसरा क्या होगा, वंस होगा. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि दोनों का सम मिला के 9 बनेगा. तो लेट्स से कि हमारा जो वंस पे है वो एक्स है और जो टेंस पे होगा वो क्या होगा, 9 माइनस एक्स. वंस वाला एक्स ले लिया, टेंस वाला 9 माइनस एक्स ले लिया, और मिलके क्या बनना चाहिए, इसका सम मिलके क्या बनना चाहिए, इट मस्ट बी 9. माइनस एक्स से एक्स कटा, व्हाट इज द रिजल्टेंट, इट इज 9. अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. अब ओरिजिनल नंबर यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओरिजिनल नंबर हियर वुड बी 10. 9 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे देन प्लस एक्स, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस 10x प्लस एक्स एंड 90 माइनस 9x. क्योंकि यहाँ पे हमने 9 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये टेंस वाला जगह था ना, जैसे हम एक्सपैंड करते हैं वंस वाले को किससे मल्टीप्लाई किया, वन से, वो तो करो ना करो एक ही बात है, तो एक्स ही आना था इसलिए मैंने किया. ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल नंबर. सो अगर आप अब इंटरचेंज करते हो, इंटरचेंज करते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, 10 के साथ x मिल जाएगा और 1 के साथ 9 माइनस x मिल जाएगा. सो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 10x प्लस 9 माइनस x. 10x में से x गए 9x, 9x प्लस 9. अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. रिजल्टिंग न्यू नंबर हमारा कौन सा आया, 9x प्लस 9 वाला, और किसके इक्वल होगा, इट वुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, 90 माइनस 9x एंड इट विल बी इंक्रीज बाय 27. सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन रिड्यूस द वैल्यू एंड यू कैन फाइंड द एक्स टर्म. सो माइनस 9x को आप इधर लेकर जाओगे, 9x प्लस 9x हो गए, 90 और 27 एक तरफ ही है तो उसको एज इट इज लिख दो, और प्लस 9 को अगर राइट साइड लेकर जाओगे सो इट विल गिव यू माइनस 9. 9x प्लस 9x इट इज 18x. 90 प्लस 27 माइनस 9, पहले आ जाएगा आपका 117 में से 9 गए सो इट इज इक्वल टू 108. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 108 हो वो 18. सो इट इज 6 एज आंसर, एक्स इज 6 है. सो अगर ये x हमारा 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, वंस वाला डिजिट हमारा कैसा है, 6, और टेंस वाला डिजिट हमारा कैसा है, इट इज 9 माइनस 6. 9 माइनस 6 कितना होता है, 3. तो द टू डिजिट नंबर वी हैव इज 3 फर्स्ट एंड द सेकेंड वन इज 6. सो इट इज 36. और अगर इंटरचेंज वाला पूछेंगे वो, या न्यू नंबर पूछेंगे आपसे, तो इंटरचेंज करोगे अगर लोकेशन को, तो क्या बन जाएगा ये, इसका ऑपोजिट 63. सो यस, दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड वन.